Triple kill. Bajao tali. 2000 years later. स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे को नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम सभी लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग M500 से वन टाइम हेडशॉट कैसे मार सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर गाइस आप लोग सही में वन टाइम हेडशॉट मारना चाहते हो M500 से, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देख लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सभी को पता ही है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो चलिए गाइस फाइनली हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो इस क्लिप के अंदर देख सकते हो गाइस सामने से एक बंदा है, और गाइस देखो यहां पे जो मेरा फायर बटन है इसको देखो मैं कैसे ड्रैग कर रहा हूं और कैसे यहां पे वन टैप हेडशॉट बहुत इजीली लग रहा है। बजाओ ताली। तो बस गाइस आप सभी को बस इसी चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, एंड उसी के साथ गाइस यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह होता है उसको भी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइस उन सेटिंग्स के बारे में आप सभी को बता देता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और हाँ गाइस सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो वीडियो के एंड में जो मैं सेटिंग्स वगैरह जो करूंगा ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल ही मिस मत करना। बजाओ ताली। जो गाइस अपना जो पहला सेटिंग है ये है गाइस अपना सेंसिटिविटी। देखो गाइस आप सभी को क्या करना है, जो आप लोगों का जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी इन दोनों पे आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है। मगर क्यों? क्योंकि गाइस इन्हीं दो सेंसिटिविटी की मदद से आप सभी लोग वन टैप हेडशॉट मारते हो किसी भी गन से। तो देखो गाइस इन सेंसिटिविटी को अगर आप लोग सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो आप लोग वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाओगे। ये भगवान क्या जुल्म है। तो ये चीज गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। देखो गाइस जो आप लोगों का सेंसिटिविटी इसको क्या करना है, जो आप लोगों का जनरल सेंसिटिविटी इसको आप लोगों को 19 रखना है, और उसके साथ गाइस जो रेड डॉट सेंसिटिविटी इसको आप लोग को 85 रखना है। ठीक है, आपको ध्यान से रखना है। अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा डिवाइस है जैसे कि गाइस आप लोगों के पास 6GB रैम का फोन है, आप लोगों को गाइस क्या करना है, जो आप लोगों का जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी इन दोनों को गाइस आप सभी को 100-100 कर देना अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा डिवाइस है। तो बजाओ ताली। ये चीज गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से जरूर से सेट कर लेना, एंड इसको आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। उसी के साथ गाइस जो अपना लास्ट सेटिंग है ये गाइस होता है अपना फायर बटन। देखो गाइस आप में से जो मैक्सिमम प्लेयर होते हैं इन लोगों का फायर बटन आप लोग चेकआउट करो, उन लोगों का फायर बटन बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा या बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। इन दोनों कंडीशन में गाइस आप सभी लोग वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाओगे। जो आप लोग का फायर बटन है गाइस अगर आप लोग इस फायर बटन को अगर बड़ा कर दोगे तभी भी यहाँ पे ड्रैग वगैरह नहीं हो पाएगा। गाइस आप लोग बहुत ज्यादा छोटा कर दोगे तभी यहाँ पे ड्रैग वगैरह नहीं हो पाएगा, और गाइस जब तक आप लोग यहाँ पे अपना जो फायर बटन है इसको ड्रैग वगैरह नहीं करोगे तब तक गाइस यहाँ पे आप लोग वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाओगे। गजब बेइज्जती है, क्योंकि गाइस वन टैप हेडशॉट मारने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे यूज होता है अपना फायर बटन। जब तक आप लोग ड्रैग करने नहीं करोगे तब तक यहाँ पे वन टैप हेडशॉट लगने का कोई भी चांस ही नहीं बनता है। मगर क्यों? तो आप में से काफी सारे बंदे ये सोच रहे होंगे कि भाई आखिर अपना फायर बटन का साइज क्या रखे। तो देखो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो आप लोग का फायर बटन का साइज है इसको क्या करना है, आप लोग को 45 से लेकर 65 के बीच के अंदर आप सभी को यहाँ पे अपना फायर बटन का साइज रखना है, जिससे कि गाइस आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प हो जाता है ड्रैग करने में। ये चीज गाइस अभी आप लोग सुधार लो वरना गाइस आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिल सकता है। तो यही गाइस कुछ थे यहाँ पे टिप्स जिसकी मदद से गाइस मैं भी M500 से वन टैप हेडशॉट काफी ज्यादा इजीली यहाँ पे मार लेता हूँ। बजाओ ताली। एंड गाइस मैं 100% कंफर्म ये बोल सकता हूँ कि अगर गाइस आप लोग जो भी मैंने आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दिया इसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग भी बहुत इजीली यहाँ पे M500 से वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा या आप लोगों ने इस वीडियो से काफी सारे चीज सीखा होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन दबा के ऑल के ऊपर जरूर से सेट कर लेना। तो चलो गाइस यार जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।